Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is Natural Join in DBMS. Natural Join के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. Natural Join से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ joins के बारे में बात की थी और मैंने एक scenario डिस्कस किया था विद द टेबल्स कि किस जगह पे हम joins को यूज़ करते हैं, मतलब कौन से scenario में हम joins को यूज़ करते हैं. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे जॉइंस को हम यूज़ करते हैं, किस सिनेरियो में हम जॉइंस को यूज़ करते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं. तो उन टाइप्स में मैंने जो है एक टाइप है नेचुरल जॉइन, नेचुरल जॉइन. और ये नेचुरल जॉइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जितने भी जॉइंस के टाइप हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल जॉइन है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नेचुरल जॉइन के ऊपर ही आता है. और दूसरा मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ कि जिसको नेचुरल जॉइन नहीं समझ आया उसको जॉइंस के बारे में समझ आ ही नहीं सकता. तो यानी नेचुरल जॉइन के बारे में समझना सबसे पहली प्रायोरिटी है. अब हम इस वीडियो में नेचुरल जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सिंटेक्स डिस्कस करेंगे विद अ एग्जांपल, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से टेबल्स की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको नेचुरल जॉइन के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी. यहां पे मैंने पहले बता देता हूं कि नेचुरल जॉइन से पहले मैं अगर मैं सिर्फ जॉइन की बात करूं, जॉइन हमेशा याद रखना आप, जॉइन इज व्हाट इट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन. कुछ भी कंडीशन हो सकती है, एनी कंडीशन इज देयर, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज. Join is always cross product plus some condition. मतलब जब भी आपको आ जाए कि join, तो आप by default मान के चलना कि cross product होगा ही होगा. और cross product कैसे होता है, क्या होता है, वो हम पूरा example से जो है यहाँ पे discuss करेंगे. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे scenario बता देता हूँ. यहाँ पे मैंने दो table लिए हैं, एक employee, एक department. Employee table में employment, employee का number, employee का name, address, department का number, department का name एंड एम्प्लॉय नंबर. और यहाँ पे कुछ डेटा मैंने तीन चार रोज यहाँ पे इंसर्ट किया. अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे को एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है, एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है जो लेट्स सपोज दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, तो कैसे लिखेंगे हम. सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेरी आती है, जब भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको क्वेरी दी होगी उसके बेस पे आपको रिजल्ट फाइंड करना है, या फिर आपको रिजल्ट दिया हुआ होगा और उसके बेस पे आपको क्वेरी लिखनी है. तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेरीज जो है वो दी होंगी, आप उसको यूज कर सकते हो. बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाद की बात है, पहले मेरे को ये भी जो है वो सीखना है कि क्वेरीज को कैसे फ्रेम करते हैं. तो हम वही बात यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि यू हैव टू प्रिंट द एम्प्लॉई नेम जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो जब भी आपको क्वेरी आए तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि क्वेरी का आंसर किस टेबल से पता लगेगा. मींस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट द टेबल नेम. टेबल का नेम पता करो कि जिस टेबल से आपको आउटपुट मिलेगी. तो अगर मुझे एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली मतलब एम्प्लॉय का एड्रेस दिल्ली है और उनका नेम जो है वो एम्प्लॉय नेम, मतलब मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से आउटपुट मिल जाएगी. और हम इसको कैसे लिखते हैं, सिंपल तरीका है सेलेक्ट कमांड को यूज करके. सेलेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, जो आउटपुट में डिस्प्ले में मुझे प्रिंट करवाना है. तो यहां पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, एम्प्लॉय का नेम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं. सो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, टेबल का नाम, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली. सो सिंपल सी कमांड. इस कमांड को लिखने का मेरा पर्पज यही है, आपको ये बताना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले तो टेबल फाइंड करो कि किस टेबल में आपको आउटपुट मिलेगी. लेकिन चलो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हम बात करें इस क्वेश्चन की. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स, फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट. मतलब आपको एक सिंपल सा पहले क्या करना है, एम्प्लॉय के नेम्स फाइंड करने हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. और ये आपको इसी सिनेरियो में, मतलब आपको दो टेबल्स जो है ये दिए हुए हैं और उन टेबल्स के बेसिस पे ही आपको इसको
इसकी आउटपुट जो है वो मतलब क्वेरी जो है आपको लिखनी है। तो ये मैं यहां से रब कर देता हूं क्योंकि इस क्वेरी का कोई यूज फर्दर नहीं है। फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय का नेम सबसे पहले आप फाइंड करो कि कौन कौन से टेबल की जरूरत है। एम्प्लॉय टेबल की जरूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज एम्प्लॉय का नेम किस टेबल में है, एम्प्लॉय में। लेकिन क्या वो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन बताएगा, डिपार्टमेंट टेबल। कैसे, आप देखो एम्प्लॉय वन इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट वन। यहां पे ये वन क्या बता रहा है, ये वन बता रहा है कि एम्प्लॉय वन जो है वो डिपार्टमेंट वन में काम कर रहा है, एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट टू में, एम्प्लॉय फोर डिपार्टमेंट थ्री में, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इन तीन एम्प्लॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स क्या है, राम वरुण एंड अमृत। मतलब रवि एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको अभी तक कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ। ये तो चलो हमने टेबल्स को देख के आउटपुट निकाल दी कि मेरा फाइनल में आउटपुट क्या आनी चाहिए, राम वरुण एंड अमृत। लेकिन इसको हम क्वेरी को लिखेंगे कैसे, इस क्वेरी को हमें कैसे सॉल्व करना है, नेचुरल ज्वाइन की हेल्प से। और बाय डिफॉल्ट इसमें नेचुरल ज्वाइन ही लगेगा, ऑल्दो इक्वी ज्वाइन या सब क्वेरी से भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम नेचुरल ज्वाइन से इसको करेंगे। नेचुरल ज्वाइन सबसे पहले होता क्या है, जब भी आपको दो टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल करना है, मतलब इन दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर। देखो दोनों टेबल्स में एक ही कॉमन एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर, उनका नेम सेम होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, वहां पे भी एम्प्लॉय नंबर। अब इन दोनों एम्प्लॉय नंबर्स की वैल्यूज जो है वो बराबर रखनी है, मतलब इक्वल होनी चाहिए, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल आ रही है उसकी वैल्यू फाइनल में आपको प्रिंट करवानी है। तो जब भी आपको कॉमन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को इक्वलाइज करना है, बराबर रखना है, उस केस में हम हमेशा नेचुरल ज्वाइन को यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेरी को लिखना। सेलेक्ट, बिकॉज मुझे फाइनल में पहले आउटपुट क्या दिखानी है वो मैं लिख देता हूं। सेलेक्ट क्या आउटपुट दिखानी है, फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स। तो एम्प्लॉय नेम्स कहां है, ये रहे एम्प्लॉय नेम्स या एम्प्लॉय नेम। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम, अब ज्वाइन जो है मैंने पहले ही बताया आपको, ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। तो पहले यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होगी, कैसे, फ्रॉम टेबल्स के नाम, कौन कौन से टेबल्स की जरूरत है आपको, एम्प्लॉय की एंड डिपार्टमेंट की, दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट है आपको। तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ, ये एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब आपने बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी रोज को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। और ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि ज्वाइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन है। आप जब भी कंडीशन लगाओगे हमेशा पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा, उसके बिना ज्वाइन हो ही नहीं सकता। तो चलिए एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आउटपुट क्या आई, तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहां पे पहले ही उनकी आउटपुट को प्रिंट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक रो को उठाओ और दूसरे टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फर्स्ट रो को इन तीनों से, सेकंड रो को तीनों से, थर्ड को तीनों से, फोर्थ को तीनों से। तो मतलब अगर एक टेबल में m नंबर ऑफ रोज है और दूसरे में n नंबर ऑफ रोज है तो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी m इंटू n इन द क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखी हुई है। तो मैंने यहां पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय, ये दोनों मैंने एम्प्लॉय टेबल से उठा लिए और ये दोनों मैंने डिपार्टमेंट टेबल से उठा ली। आप सारे एट्रीब्यूट्स को भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने सिर्फ दो दो एट्रीब्यूट्स को उठाया। आप तीनों एट्रीब्यूट्स को भी लिख सकते हो, छह एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 4 × 3 = 12। तो मैंने ये प्रॉपर वहां पे 12 नंबर ऑफ रोज जो है वो लिखी हुई है। अब नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको बराबर रखना है, उसको बराबर रखना है, इक्वल करना है। तो मेरे को दोनों टेबल्स का, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, दिस वन एम्प्लॉय
dot employee number. What is the meaning of employee dot employee number? Employee table के अंदर जो employee number है equals to department table dot employee number. This is the condition. आपने देखो क्या किया, employee table के अंदर जो employee number है उसको बराबर रखा, equal रखा department table के अंदर जो employee number है. और यही मैं बता रहा हूं बार बार कि जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसको आपको बराबर रखना है. तो मैंने वही किया, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, एम्प्लॉई नंबर. और कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट शुड बी कॉमन. अगर कॉमन ही ना हुआ तो आप दो टेबल्स को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है. अगर एक टेबल मेरे को कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई ज्वाइन दीज टू टेबल्स. तो दोनों को ज्वाइन तभी करूंगा जब कुछ ना कुछ कॉमन हो, और उसी कॉमन को हमें बराबर रखना है. इक्वल लगा दिया, बस बीच में मैंने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया. ये कंडीशन जो है इक्वी ज्वाइन की भी कंडीशन है. इक्वी ज्वाइन को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस उसमें इक्वल ही लगाना होता है मुझे. बट हम अभी नेचुरल ज्वाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उसी को बताता हूं. तो इस क्वेरी को अगर मैं बोलूं, आपने फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट जब किया तो कितने नंबर ऑफ रोज हो गई, 12. अब इन 12 रोज के ऊपर क्या चलेगा, ये कंडीशन चलेगी जहां पे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर. तो आप सबसे पहले आ जाओ, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर is equal to department dot employee number. क्या दोनों बराबर है? Yes, दोनों equal है. अगर दोनों equal है तो हम इस row को select करेंगे. Next, employee dot employee number is equal to department dot employee number. क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो इस row को हम reject कर देंगे. तो आपको बस 1 is equal to 4? No. 2 is equal to 1? No. 2 is equal to 2? Yes. 2 is equal to 4? No. 3 is equal to 1? No. 3 is equal to 2? No. हर रो के लिए आपको चेक करना है, क्योंकि जब भी ये कंडीशन चलती है सब रोज के लिए चलेगी, पूरे पूरे टेबल की जो ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट वाले टेबल की पूरी रोज के ऊपर ये कंडीशन चलेगी. 3 is equal to 4? No. 4 is equal to 1? No. 4 is equal to 2? No. 4 is equal to 4? Yes. तो कितनी रो सिलेक्ट हुई, 1, 2, 3. तो मैं बाकी रोज जो है जो रिजेक्ट हो गई हम उनको यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे. लेट से ये वाली रोज जो है वो हट गई, जो रोज डिलीट होगी उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. सो फाइनल में मेरे पास आउटपुट क्या आई, ये तीन रोज आई. आप इसको इकट्ठा यहीं पे लिख देता हूँ मैं, टू वरुण डी टू, टू फोर अमृत डी थ्री फोर. तो ये तीन रोज जो है वो फाइनली बची, बाकी रोज जो है वो रिजेक्ट हो गई. तो जब ये तीन रोज बची फाइनली, मतलब मेरे को यहां से लेके यहां तक इस पूरे का आउटपुट क्या आ गया, ये इस पूरे का आउटपुट क्या आ गया, ये. अब इस पूरे के आउटपुट में से आपको क्या प्रिंट करवाना है, एम्प्लॉय नेम. तो एम्प्लॉय नेम उठा लो, राम वरुण अमृत. तो आउटपुट क्या आई, राम वरुण एंड अमृत. और अगर आप ध्यान से देखो यही आउटपुट आनी चाहिए, बिकॉज राम जिसकी एम्प्लॉई नंबर 1 है वो भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वरुण जिसकी एम्प्लॉई नंबर 2 है वो भी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अमृत जिसकी एम्प्लॉई नंबर 4 है वो भी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. रिजेक्ट कौन सा हुआ, 3, रवि, बिकॉज रवि को अभी तक कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ. सो ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये एग्जांपल जो है आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी सिचुएशन में जहां पे आपको दो टेबल्स के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट मतलब जो दोनों में सेम हो उस एट्रीब्यूट को बराबर रखना है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन. अब लास्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूं, इस क्वेरी को एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम एम्प्लॉय, सीधा नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, दैट्स इट. दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग. लेकिन अगर मैं पहले ये लिख देता तो आपको क्लियर ही ना होता कि नेचुरल ज्वाइन कर क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या कर रहा है, ये कर रहा है. बाई डिफॉल्ट अगर आपको लिखा आ जाए कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, आप समझ जाना ये चीज,
लेकिन लेकिन जो इन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है उसका नेम सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पे इंप्लॉई नंबर है, ई नंबर है, वहां पे कुछ इंप्लॉई नंबर है, कुछ कॉलम का नेम अलग है, कॉलम के नेम जो है वो सेम होने चाहिए, तभी नेचुरल ज्वाइन लगता है। अदरवाइज आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आपको नेचुरल ज्वाइन लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों क्या है, दोनों क्वेरीज क्या है, इक्विवेलेंट। मतलब इस क्वेरी को अगर मैं ओपन करके एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरीके से करूंगा। तो मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता लग जाए कि नेचुरल ज्वाइन काम कैसे करता है। तो नेचुरल ज्वाइन तभी लगेगा दो कॉमन, दो टेबल्स में एक कॉमन एट्रीब्यूट हो, उसका नाम सेम हो। जब भी हम उस कॉमन एट्रीब्यूट को बराबर रखते हैं, इक्वल रखते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेचुरल ज्वाइन एंड हाउ वी यूज इन अ रियल लाइफ सिनेरियो। ये था सीक्वल की टर्म में। जब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की टर्म में इस सिंटेक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।